जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं अतुलितवलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनप्रशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वदानि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः
अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की अनुराग वर्धनी, प्रेम वर्धनी, कली कलिमश हारणी, कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मात्र शक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका जीवन मधुमय बने, रसमय बने, आनंदमय बने, इसलिए हम सब मिलकर के संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर कुछ विचार करते हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने संतों की बड़ी महिमा गाई, संत मिलन की भी बड़ी चर्चाएं की, किंतु बाद में संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज जैसे संतों को वंदन करते हैं वैसे ही दुर्जनों को भी वंदन करते हैं। उनकी वंदना में ऐसा नहीं कि संत की वंदना हुई और दुर्जन छूट गए, दुर्जनों की वंदना करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह दुष्टों के साथ भी अपना संबंध बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। स्वभाव है कि उनके साथ यदि संबंध बन जाएगा तो निश्चित रूप से वह हमारे सहयोगी बन जाएंगे, किंतु तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुझे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है और मैं ये भी जानता हूं कि इन खलों को चाहे जितना सम्मान करो, इन खलों को चाहे जितना वंदन करो, ये अपनी वृत्ति छोड़ने वाले हैं नहीं, या निश्चित रूप से अपना स्वभाव समय पर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, जैसे कई लोग काक को भले ही पालन कर लें और भले ही उसको फलारी बनाने का प्रयास करें, किंतु जैसे काक कभी निरामिष नहीं होता है ऐसे दुष्ट लोग अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं, वो अपने स्वभाव का परिवर्तन करते हैं। तो फिर आपको वंदन कर रहे हो, उनका तो मानना है कि सब भगवत स्वरूप ही है, जड़ चेतन गुण दोषमय है, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन पय, परिहरि बार विकार। हमारे संत प्रवर श्री शरणम जी महाराज से किसी साधक ने प्रश्न किया कि जीवन में उदारता कैसे आए और हमारे अंतकरण में प्रियता कैसे आए,
और स्वाधीनता कैसे आए, उदारता, प्रियता और स्वाधीनता। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतनी सरलता से बात रख दी, बोले संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके साथ हमारा संबंध बन जाए कोई मानस का तो उदारता आ जाए, और समस्त संसार मुझे परमात्मा का ही स्वरूप दिखने लगे तो प्रीता आ जाए। कितनी बढ़िया बात है। और संसार में किसी से भी हमारा संबंध न रहे तो स्वाधीनता आ जाए। ये स्वाधीनता हमारे जीवन में पराधीनता क्यों है, क्योंकि हम संबंधों से बंध गए और ये संबंध अपनी मान्यता ही है। हमारे संत बड़ी बढ़िया बात कहते थे, बोले ये मत समझना कि शरीर से उत्पन्न होने के कारण कोई हमारा संबंधी बन जाता है, ये थोड़ी फक्कड़ी बात है। हमारे आपके शरीर से जुमे पैदा होते हैं, कभी उनको अपना मानते हो, कभी नहीं कहा किसी ने कि हमारे ये संबंधी हैं, कभी कोई नहीं। शरीर से उत्पन्न होने के कारण संबंध बनता हो तो उनसे भी संबंध बना लो। संबंध बनता केवल अपनी मानसिकता से है। जैसे जैसे आप अपने को संबंध मुक्त बनाते जाओगे वैसे ही मुक्त बनते जाओगे। है तो छोटा सा वाक्य स्वामी जी का, किंतु है बड़ा क्रांतिकारी। तुलसीदास जी महाराज इसी बात को जी रहे हैं कि संसार में दो चीजें ही दिखती हैं, एक जड़ और एक चेतन। ये जो द्वैत है ये दो का बना हुआ खेल, ये दो दो का जोड़ा है, सुख दुख, पुण्य पाप, जन्म मरण। ये जहां जहां दो दो का जोड़ा दिखे ना, पति पत्नी, ये जहां जहां दो दो का जोड़ा दिखे जान जाना कि वो संसार है। निश्चित रूप से दो दो का जहां जोड़ा दिखे वहां समझ जाना कि संसार आ गया। कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष, ये किसने बनाया इस विश्व को, बोले विश्व कीन करता, ये करतार की ही रचना है। ये सारी की सारी जगत की रचना करतार की है। अब भैया आप चाहे कितना प्रयास कर देना, गांव गांव सत्संग की झड़ी लग जाए, किंतु आप चाहे कितना प्रयास कर लेना, ये द्वैत संसार से नहीं जाएगा, दिमाग से चाहे पहले चला जाए। दिमाग से जा सकता है किंतु संसार में सज्जन भी रहेंगे, सज्जन दुर्जन भी रहेंगे। अरे नारायण कभी विचार करना, आराम जैसे राजा के राज्य में जहां वर्णन है, आप राम राज्य का कभी वर्णन पढ़िएगा उत्तरकांड में, अल्प मृत्यु नहीं कौन पीड़ा, अवध में कोई कम उम्र में नहीं मरता है, वहां सारा दिव्य है। किंतु ऐसी दिव्यता में भी एक दो भी रहता है, ऐसी दिव्यता में भी एक दो भी रहता है जो अपनी पत्नी के दोष को देखकर कहीं भी दोषारोपण कर सकता है। ओह मुझे बहुत अच्छा लगता है दुनिया आनंदमयी माँ का वाक्य है, इस वाक्य ने हमको बहुत संबंध दिया है। माँ से कोई पूछता था कि माँ बात ऐसी है, तो माँ खंडन नहीं करती, कहती थी हाँ पिताजी ऐसी ही है। अब कोई भी कैसी बात कहे वो कहती थी हाँ पिताजी ऐसी ही है। तो कहती थी कि जहां तुम खड़े हो वहां से ऐसा ही दिखता है। यह निश्चित है कि जहां हम खड़े हैं वहां से ही हमको वैसा दिखेगा। आज मैं आश्चर्य से
अब बुद्धि है चली जाती है। पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सामने दृष्टि की दीवार में तो कोने में एक आईना रखा है कमरे में। उस आईने में प्रतिबिंब पड़ रहा था, एसी लगी है उसका, हमारा जो स्विच है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, बिजली को कंट्रोल करने वाला यंत्र वहां लगा था। मेरी दृष्टि गई तो अब हमारी दृष्टि उस यंत्र पर नहीं गई, दर्पण पर गई। अब दर्पण पर गई तो मैंने देखा कि वो टेढ़ा लगा हुआ है और पता नहीं बुद्धि में बड़ा संस्कार गड़बड़ है, मैं कहीं कमरे में घुसूं और घड़ी टेढ़ी लगी होती है तो भी खटकती है, कोई चित्र टेढ़ा लगा होता है तो भी खटकता है, पता नहीं कहाँ है, किसी के भी घर में जाऊंगा तो अगर प्रीता होती है तो मैं कह देता हूँ इस घड़ी को ठीक कर लो, इस चित्र को ठीक कर लो। तो देखा कि बहुत ज्यादा टेढ़ा लगा है, मैंने कमाल का सोचा, कमाल की बात है, लगाने वाले ने इतना टेढ़ा लगाया है। मैं पढ़ रहा था बैठे बैठे बुद्धि गई और बाद में उस यंत्र को देखा तो यंत्र बिल्कुल सीधा लगा था, किंतु जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें उससे टेढ़ा बना गया है। मैं सोचने लगा इसमें दोष किसका है, आईने का दोष है। तो हमने कहा फिर तो मामला बड़ा खतरनाक आईना है, ये लोग सीधे खड़े होंगे तो टेढ़े दिखेंगे। फिर मैं खड़ा होकर उस आईना के पास गया, इस आईना में दोष कैसे है। बाद में हमको बात याद आएगी कि निश्चित रूप से जहां हम खड़े हैं वहां पास में जाकर के फिर वो तिरछा नहीं दिखा, वहां से एंगल ऐसा कर रहा था कि वो तिरछा दिख रहा था। ऐसे जगत में जहां जैसे हम खड़े हैं हमको वैसा ही जगत नजर आएगा। इसलिए संत कौन है, बोले हंस है संत, इसलिए संतों को परमहंस बोलते हैं। परमहंस हमारे संत जन कहते हैं परमहंस जी महाराज, हंस नहीं परमहंस। हंस तो केवल क्षीर नीर विवेकी है और परमहंस ऐसे हैं सत्य और असत्य का विवेक करते हैं। तो संत कैसे, बोले संत हंस गुण गहन पै। ये महाराज संत हंस हैं, जैसे वो हंस पै ग्रहण करता है, दूध ग्रहण करता है, वारी को छोड़ देता है, ऐसे सज्जन पुरुष केवल सद्गुण सद्गुण ग्रहण करते हैं, वह किसी के दुर्गुण ग्रहण नहीं करते हैं। वैसे तो हंस तो सद्गुण ग्रहण करता है और परमहंस न सद्गुण ग्रहण करे न दुर्गुण ग्रहण। हमारे महाराज जी का एक वाक्य है, वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते। तो आप लोग सोचेंगे बड़े कंजूस थे, उदार होना चाहिए प्रशंसा का, वो जल्दी किसी की प्रशंसा नहीं करते। तो कहा प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो, बोले सराहो मत सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। आप अनुभव कर लेना, जिसको आज आप प्रशंसा कर रहे हो कल उसकी आप निंदा करोगे। हमारे जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं घटी जिनको आज हम प्रशंसा कर रहे हैं कल निंदा करनी पड़ती है। इसलिए परमहंस हुआ है कि जगत को देखता तो है किंतु कहता कुछ नहीं है। अस विवेक जब दे विधाता सब तरि दोष गुनिय मनुराता। हंस जैसा विवेक जब विधाता हमको दे दे निश्चित रूप से सब दोषों का त्याग करके भगवत चिंतन में लगे। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकही भलाई। ये सब प्रकृति का खेल है। हमारे संत तुलसीदास जी महाराज बाद में बढ़ते हुए कहते आकर चारी लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभ वासी। ये चार प्रकार की खाने हैं, जहां से हीरा निकलता है वो भी खान, ऐसे ये चार प्रकार की खान है। कौन, स्वेदज उद्विज अंडज और अंडज। स्वेदज माने जो गंदगी से उत्पन्न हो, पसीने आदि से उत्पन्न हो, अंडे को फोड़ करके उत्पन्न होने वाले अंडज।
और मेरा जरायुज में पिंड में जो मंदिर है वो निकले और उद्भिज माने वृक्षारण, ये चार प्रकार की खानों में और 84 लाख प्रकार की होगी। आप लोग ये मत समझ लेना कि कोई कल्पना कर दी गई है, हमारे यहाँ पुराणों में वेद में कल्पना नहीं है। आज तो वैज्ञानिकों के पास यंत्र हो गए हैं, उन यंत्रों के आधार पर वो अपनी बात रखते हैं, किंतु हमारे ऋषि ऐसे हैं कि बिना यंत्र के, आप जरा विचार करना, तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा लिखा तो पृथ्वी से हमारा सूर्य की कितनी दूरी है उन्होंने नापा था क्या कोई यंत्र से? किंतु जो नाप उन्होंने लिखी आज नासा के वैज्ञानिक भी उतनी ही नाप स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं ऋषि माने कोई बाबा जी नहीं होता है, रिसर्च करता वो खोजी है। तो ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं इसका वर्णन है कि कितने स्वेदज हैं, कितने उद्भिज हैं, कितने जरायुज हैं, सबका वर्णन है और पूरी पूरी संख्या है उसकी। इन्होंने दिव्य दृष्टि से ऋषियों ने एक एक योनि का चिंतन किया है। बाबा हमारे कहते हैं चार प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव जिस जिस जाति स्थान पर उत्पन्न होते हैं, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, तीन ही प्रकार के हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले। इन सब को श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी। चारों प्रकार की महाराज खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव जहाँ जन्मे हैं सबको हम श्री राममय मान करके ही उनको वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, करम प्रणाम जोर जुग पानी, हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हैं। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छान छल छोहु। आप अपना किंकर समझ करके, दास समझ करके, छल छो छाड़ करके महाराज हमारे ऊपर कृपा करें। क्यों भाई कृपा क्यों चाह रहे हो, किस लिए कृपा की आवश्यकता है तुम्हें? देखो भाई कृपा कहाँ होती इस पर विचार करने लायक है। कृपा की चर्चा तो सब लोग करते हैं किंतु कृपा का स्वरूप क्या है? एक व्यवहारिक दृष्टि से पहले मैं रख दूं तो हमको पता नहीं कि अब कोई अध्यापक बैठे होंगे तो जान सकेंगे, इनको शायद पता होगा। पहले विद्यार्थी पेपर देकर के आए, उसने जो प्रश्नों का उत्तर लिखा है अगर 50 नंबर में आधे ही नहीं इधर आ जाए पेपर सिखा लिया, जो मिल जाए सो बैठ जा। अगर कोई विद्यार्थी 50 नंबर में पास होने वाला है और उसको संयोग से 48 नंबर मिल रहे हैं, ये आ जाओ, ये चेयरमैन की कुर्सी है, इसमें इसमें डबल डबल मामला आ सकती हो, तुम बहुत पतली हो और हमारे चेयरमैन मोटे, दोनों मिलकर बराबर हो जाए। आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं, शरीर जैसे सब भगवान के चरण ही है, शरीर जैसे साफ है वैसे काम करना चाहिए। शरीर के साथ खींचातानी करोगे तो बदमाश है, फिर तुमको खींच देगा तो कथा सुनने भी नहीं देगा, हमारी अनुभूति यही है। इसको ज्यादा खींचा खाची करोगे ना तो ये बदला दे लेता है। मुरु भक्त वत्सल भगवान की, मैं निवेदन कर रहा था कोई विद्यार्थी 50 नंबर पे पास होने वाला हो किंतु उसको 48 नंबर ही मिल रहे हैं, दो नंबरों की आवश्यकता है, तो गुरुजनों को कृपा लग आए कि अगर दो नंबर नहीं देंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो
तो गुरुजन क्या करते हैं, दो नंबर देते तो हैं किंतु नीचे लिख देते ये कृपांक है, ये तुम्हारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये कृपांक है। माँ जैसे कृपा करती है किंतु बालक यदि स्वयं उठने का प्रयास न करे तो माँ चाहे कितना कृपा करे उसको कभी चला नहीं पाए। बालक स्वयं पुरुषार्थ करता है उठने का, तब हाथ पकड़ करके माँ चलना सिखा देती है। तो हमारा इनका तो पुरुषार्थ है पूरा का पूरा, किंतु तब भी हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे ऊपर कृपा करें। क्यों कृपा करें? अपना किंकर समझ कर। ये किंकर शब्द भी बहुत अद्भुत है। किंकर माने जानते हैं? ये कर माने होता है हाथ, कर माने हाथ। भ्रम हो जाए ये कर है कि किंकर है, अभिप्राय क्या है कि जो जो हाथ आपका काम कर सके वही काम यदि सामने वाला करने को तैयार हो तो उसका नाम किंकर है। अथवा अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़कर जो खड़ा रहे, किंकरोमी, मैं क्या करूँ, आप जरा विचार करना, हमारा आपका जो हाथ है इससे चाहे आरती करवाओ, चाहे इससे मल धुलवाओ, बहुत आरती आदि पूजा पाठ करवाने में हाथ कभी प्रसन्न नहीं होता, और यदि मल आदि की सेवा में लगा है तो कभी दुखित नहीं होता। तो सचमुच में किंकर वही है जो अपने स्वामी की प्रसन्नता में कुछ भी करने को तैयार हो। अथवा कुत्सित कर होती, कुत्सित कर्म भी करने को तैयार हो। हम अपने स्वामी की सेवा में करने की राजी हैं, आप सब मिलकर हमारे ऊपर मिलकर कृपा करो। निज बुद्धि पर भरोसा मोहि नाही, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, बता दिया कि मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे कृपा की याचना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तो मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है। और सचमुच में साधक व्यक्ति तो कभी बुद्धि पर भरोसा रखता नहीं है, न बुद्धि पर, न बल पर, न विवेक पर, न धन पर। भरोसा यदि रखने लायक है तो केवल भगवान पर। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। हमारे महाराज जी, आप लोग थोड़ा नाराज मत हो जाना, बनिया हो पकड़ी बात कह रहा हूं और अनुभूति की बात कह रहा हूं। जब तक आपको भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह भरोसा रहेगा तब तक आप न तो पूर्ण भगवान के हो पाओगे और न भगवान का भजन कर पाओगे। हमारे महाराज जी कहते थे कि जो लोग बैंक के बैलेंस पर भरोसा करें, कई लोग रिटायर्ड होकर के आ जाते हैं तो अपनी पेंशन पर भरोसा होता, और एक हानि और होती है इसमें। हानि क्या होती है कि उनको लगता है कि मैं तो किसी का खाता नहीं हूं, मैं अपनी मेहनत का खाता हूं, और ये महात्मा लोग भिखमंगे हैं, ये तो मांग मांग कर खाते हैं, मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं। तो अभिमान तो भगवान से दूर ही ले जाएगा। कोई भी अभिमान एक अभिमान को छोड़ कर के सब अभिमान भगवान से दूर ले जाते हैं, एक अभिमान ऐसा है जो भगवान के पास ले जाता है। अस अभिमान जाए तनि होए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तो भगवान के पास ले जाए। तो भरोसा मैंने सुना है बहुत पुरानी बात है, हमारे सहंसाराम तीर्थ लक्ष्मण झूला से 26-27 किलोमीटर 29 किलोमीटर साइड है,
एक गुफा है जिसका नाम है वशिष्ठ गुफा, बहुत अच्छी है। मुझे रणी स्वामी जी महाराज की कृपा से उस स्थान का दर्शन करने का अवसर मिला, वशिष्ठ गुफा का। पुरानी बात है, वशिष्ठ गुफा में सहंसा राम तीर्थ निवास कर रहे थे। आजकल तो इतने साधन है, उस समय साधन इतने थे नहीं। शायद दिल्ली का कोई उनका भक्त स्वामी जी के पास पहुंचा और स्वामी जी के पास पहुंच करके कहा, स्वामी जी ऐसी जगह पे अभी भी ऊपर मेन रोड से नीचे तक उतर कर आने जाने में पसीने आ जाते हैं। उस समय तो बिल्कुल रास्ता नहीं था। कहा कि स्वामी जी यहाँ तुमको रोटी कौन खिलाता है? तो स्वामी जी ने कहा कि गंगा मैया खिलाती है। तो बोले वो गंगा मैया हमको भी खिलाएंगी? बोले क्यों नहीं खिलाएंगी, जो माँ हमारी है वो तुम्हारी भी है, जरूर खिलाएंगी। महाराज एक दिन सुबह से शाम तक बैठे रहे, गंगा मैया ने कुछ खाने को नहीं दिया। स्वामी जी भूखे, वो भी भूखे, ना स्वामी जी के लिए आया ना उनको आया। शाम को स्वामी जी ने पूछा, क्यों रे, सच सच बता, गंगा मैया के अलावा और कहीं भरोसा है तेरा? तो कहा कि महाराज हाँ, कुछ थैले पे रुपया रखा है। मैंने सोचा था कि यदि गंगा मैया नहीं खिलाएंगी तो कम से कम इस पैसे से जा करके लक्ष्मण झूला में उधर कुछ खा लेंगे। स्वामी जी पकड़ बोले, रुपया निकाल निकाल, गंगा जी में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर दिन भर भूखे, भोजन फिर नहीं आया। स्वामी जी ने फिर पूछा, क्यों रे, अभी कहीं भरोसा है क्या? उन्हें गले में सोने की जंजीर पड़ी है। सोचा कि स्वामी जी ने रुपया तो फेंकवा दिया है कि तो जंजीर बेच करके काम चल जाएगा। स्वामी जी ने कहा, निकाल, वो भी निकाल, और उसको भी निकाल कर फेंक दिया। अब जब कहीं भरोसा नहीं रहा तब साक्षात गंगा मां स्वयं भोजन लेकर के प्रकट होकर के उनको खिलाएगी। हमारे भरोसे की दृढ़ता, भरोसे की दृढ़ता, मैंने तो ये जीव पर भरोसा कभी नहीं करना, ये अपने ही काम का नहीं तो दूसरे के काम का क्या होगा। लायक सज्जन बड़ौदा के थे, उसी केस में, और मेरे से बड़ा स्नेह मानते थे पति पत्नी। स्वामी हंसानंद महाराज के नाते, रंडी स्वामी के नाते छोटा था, तो दंपति हमको पुत्रवत स्नेह करते। बाद में वो बड़ौदा बैंक के किसी बड़े पद पर थे, रिटायर्ड हुए, तो उनको लगा कि हम वृंदावन में हैं, तो पति पत्नी दोनों वृंदावन पहुंच गए और हमारे महाराज जी के आश्रम में ही रुके। किंतु दो चार दिन के बाद हमारे मान जी ने पूछा, ये कब तक रुकेंगे? हमने कहा, मुझे तो पता नहीं कब तक रुकेंगे। मैंने पूछा, कब तक रुकोगे? बोले, मैं यही रहूंगा, और अब आ गया हूं ना तो मैं तो परेशान हो गया। फिर दूसरे दिन से मैंने कहा कि आप आश्रम से कहीं दूसरी जगह जाओ, यहाँ सदा रहने वालों को स्थान नहीं मिलता है, आए गए उनको मिल जाता है स्थान। महाराज वो चले तो गए कि दोनों पति पत्नी मेरे से नाराज होकर गए। तो परम स्वार्थी है जिसको खूब ढोकला खिलाया था किंतु ये ढकोसड़ा किसी काम नहीं आया, नाराज हो गए। जब जाने लगे तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा, भले नाराज होकर जा रहे हो किंतु अब बड़ौदा जाओ, और वहां से जब आना तो मेरे भरोसे नहीं, ना किसी अरे गरे नथु खरसे के भरोसे आना, श्री किशोरी जी के भरोसे आना। और श्री किशोरी जी कभी किसी को भूखे नहीं रहने देती हैं, निवास देती हैं उनको, सब कुछ देती हैं। वो चले तो गए, इंदुबाद में रिटायर्ड हो गए थे,
आजकल बच्चे भी माँ बाप को सोचते हैं कितनी जल्दी वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं तो घर में शांति हो जाए। बेचारे आ गए किंतु उनको स्मरण था ही, तो वहां एक कालिया दूध वाला है, उसके घर में किराए पर रह गए। हमारे पास नहीं आए, मेरे से मतलब भी नहीं, बातचीत भी नहीं। एक दिन बैंक में रुपया निकालने गए थे तो जैसे मुड़े तो कोई सामने सज्जन खड़े थे। क्या काम करते थे आप? पूरे में बड़ौदा बैंक में था। यहाँ क्यों आए? तो बताया कि ऐसे से आ गया था और वहाँ अखंडानंद आश्रम से भगा दिया, वो बात भी नहीं किया उसने। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरी यहाँ कोठी है तुम वहाँ रहो, चार नौकर हैं और 20,000 रुपया हम तुमको महीना भी देंगे। उन्होंने कहा रुपया तो नहीं चाहिए मुझे रहने को, दे बसंत कुंज है उसका नाम बसंत कुंज है, जब तक जीवित रहे तब तक वही रहे। हमारे पास आकर के रो करके बोले कि तुमने इतनी कृपा कर दी हमारे ऊपर, किशोरी जी ने हमको सचमुच में गोद में रखा है, चार नौकर दिया है उन्होंने, पैसा तो नहीं लेता। मुझे जीवन में एक बात समझ में आई कि व्यक्ति का भरोसा कभी नहीं करना, किंतु महाराज ये भगवान पर भरोसा होना बहुत कठिन है। हम अल्प बुद्धि वाले अपने तन पर, अपने मन पर, अपने धन पर। मुझे एक संत ने अद्भुत बात कही। वो संत ने कहा जब बैंक में पहले रुपया भरते थे, एक कागज बिल्कुल सामान क्वालिटी का उधर लिख करके थोड़ा उस मोहर पर लगा करके वो दे देते थे बैंक वाले, कितना पैसा सिर में जमा हो गया आपके। वो कहते थे इतना रद्दी कागज उसमें बैंक वालों ने केवल हस्ताक्षर करके दे दिया और मुझे भरोसा हो जाता है कि हमारा रुपया इतना बैंक में है। किंतु रामायण में, गीता में, उपनिषदों में लिखा है कि भगवान का चिंतन करो तो भगवान कभी भूखे नहीं रहने देते हैं, किंतु इन शास्त्रों पर हमारा भरोसा नहीं होता है, इन रद्दी टुकड़ों पर भरोसा हो जाता है, बैंक पर भरोसा है। हमने बैंक मैनेजर से हमारा परिचय न किसी से, रद्दी कागज पर भरोसा। आजकल तो वो भी नहीं देते सामने, पहले तो कम से कम फटा पुराना कागज दे भी देते थे। आजकल तो हमको किसी ने बताया कि बैंक जमा कर, तो जाते आते नहीं इसलिए पता नहीं है, वही जमा करके आओ, कोई पर्ची देने वाला भी नहीं होता है और बॉक्स में डाल के आ जाओ। किंतु कमाल की बात है उस पर हमारा भरोसा हो जाता है, किंतु हमको भगवान पर भरोसा नहीं है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, निज बुद्धि पर भरोसा मोहि नाहीं, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, ताते विनय करूं कर पाही। महाराज सब पाही, सब करके इसीलिए मैं विनय करता हूं कि सब लोग हमारे ऊपर कृपा करो। अच्छा तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी तो करोगे क्या? अगर कृपा हो जाए तो करोगे क्या? बोले करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, मैं करना चाहता हूं रघुनाथ के गुण का गान, किंतु लघुमति मोर, ये मति तो हमारी बड़ी लघु है, और भगवान के चरित्र अवगाह था न मिले ऐसे चरित्र, ऐसे चरित्र का मैं गान करना चाहता हूं। सूजन एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंख मनोरथ राव। कमाल की बात यह है कि वो है तो हमारा मन कंगाल गरीब, किंतु मनोरथ है राजा का, है पास में नहीं कौड़ी, किंतु ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं कि पूछो नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं इन पर, हमारे ऊपर इस पर कृपा कीजिए। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, बाबा हमारे कहते हमारी मति तो नीच है किंतु क्या करें, रुचि ऊंची है। और कैसे उदाहरण दिया, चाही अमी है, कामना है अमृत की और घर में होती छाछ भी नहीं है, जग जुलई न छाछी,
हमारा मानस तो ये है, हमारी तो इच्छा ये है कि हमको अमृत मिले, किंतु घर में छाछ भी नहीं जुड़ती है, मट्ठा भी नहीं मिलता है। किंतु क्या करें, सज्जन लोग हमारी इस निठाई को क्षमा करेंगे, बालक के वचन को जरूर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जब बालक कोई तोतरी भाषा में बोलता है तो हमारा घर के माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे मैं बालक हूं, निश्चित रूप से हमारी टूटी फूटी भाषा हम देखते, छोटे छोटे बच्चे बोलना नहीं सीखते, अप्पा अक्का अच्छा क्या क्या बोलते हैं, दादाजी कहलाते हैं, क्या कहा, और जिसका नाम पहले ले दे, ये दादा लोग तो खुद रटा दे, दादा कहो दादा, फिर वही दिखाते हैं दादागिरी, दादा कहो दादा, पर टूटी फूटी भाषा में बोले तब भी प्रसन्न। तो जैसे बालक टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, माता पिता आनंदित हो जाते हैं, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। माता पिता दोनों मुदित होकर सुनते हैं, किंतु एक बात निश्चित है, हंसी ही कूर कुटिल को भी चाहती। हमारी संरचना पर, हमारी इस भगवत गुणानुगान की शैली पर हंसी वो लोग करेंगे जो पर दूषण भूषण धारी, जो दूसरों के ही दूसरों के दूषण का आभूषण पहनते हैं। केवल उनकी दृष्टि में दूसरों के दूषण ही देखते हैं। और एक बात बहुत बढ़िया कहती, बोले निज कवित के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति ही का। अपनी कविता ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अच्छी न लगती हो। कविता की बात तो हमारे रोटी राम बाबा जाना जाना जानेंगे, किंतु एक बात तो अनुभव की है, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन सबको अच्छा लगता है। रोटी जल जाए तब भी स्वादु लगती है, लेकिन वाह बहुत बढ़िया बन गई है। हमारे स्वामी जी ने तो हमको ऐसे सब कुछ बनाना सिखाया करुणा करके। फिर तो एक बार स्वामी जी थे नहीं यहाँ ऋषिकेश में, हम और हमारे एक मित्र थे दोनों कुटिया में, तो एकादशी थी, एकादशी रखते थे, तो कोई पंजाब के भक्त एक टीन घी दे गए थे चौधरी जी। तो दोनों जब फलाहार तैयार कर रहे थे तो साबूदाना की खीर बनानी थी। अब साबुत ने हलवा बनाना था, तो हलवा बनाना था, तो हम दोनों ने विचार किया, साबूदाना की सिंगाड़े का, तो हम दोनों ने विचार किया कि एक काम करते हैं, घी तो सारा बहुत है इसलिए पानी डालने की जरूरत ही नहीं, ये हलवा निश्चित रूप से घी में ही बनाते हैं। अब दो ही थे और महाराज बनाया, अब ऐसा हलवा बना कि आपको हम क्या कहें, पत्थर से तोड़ तोड़ खाना पड़ा, किंतु अब बनाया अपने लोगों से था, वो कई बार याद आता तो क्यों हंसते हम लोग, परमात्मा भी हिमाचल में रहते तो हंसते हम लोग की कमाल की बात है। तो अपने हाथ से कुछ चीज बन जाए बड़ी स्वादु लगती है, कि अपने हाथ से बनी सब्जी भी ज्यादा नमक हो जाए तो कोई बात नहीं, कहेंगे चलो नमक ज्यादा हो गया है तो आज गुजराती बनकर खाते हैं। आप लोग जान गए होंगे गुजराती कैसे खाते हैं, थोड़ा शक्कर डाल लेते, किसी से नहीं कहेंगे आज गड़बड़ हो गया है। ऐसे जो अपनी रचना होती है उस रचना से अपने को प्रेम होता है। सरस हो अश्वा अथवा अतिथि का, जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते वर पुरुष बहुत जगना है। जो दूसरों की प्रसन्नता महाराज सुनकर के प्रसन्न हो जाए, कविता सुनकर प्रसन्न हो जाए, ऐसे लोग दुनिया में काम आए, नहीं तो अधिकतर दोष ही देखते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, अब 3 घंटे 4 घंटे कई कई बार 7 घंटे होता है, अपने राम कई बार 7-7 घंटे की कथा करते हैं, बिना पानी पिए बिना कुछ किए, अब 7 घंटे लगातार गैस पीठ पर बैठे हैं, तो हो सकता है अगर उसमें 10,000 शब्द बोले तो 1 शब्द में कहीं जीव इधर से उधर हो सकती है। तो महाराज उनको 10,000 शब्द अच्छे बोले गए वो पकड़ में नहीं आते,
जो एक गड़बड़ी हो गई कहीं तो कथा से निकलते पहले पकड़ लेते हैं, बोले ये किसके आधार पर बोला आपने। तो हम कहते हैं भगवान, हम तो तुरंत कह देते गलती हो गई, दोबारा ध्यान रखेंगे, काय को बहस करें, तो तुरंत सावधान हो जाते। तो लोगों का स्वभाव ऐसे ही है, सज्जन सुकृत सिंधु सम होई, देख पूर्व विद बाढ़ी सोई। आहा, सज्जन लोग ऐसे के सिंधु के समान सज्जन लोग हैं, सिंधु के समान सज्जन लोग। कैसे सिंधु के समान? अब बढ़ता है चंद्रमा, उन्नति होती है चंद्रमा की, किंतु सिंधु में आह्लाद होता है कि नहीं होता। अब क्या लेना देना, चंद्रमा आकाश में रहता है, समुद्र नीचे रहता है, किंतु तब भी हमारा देख पूर्व विद बाढ़ ही सोई, जो चंद्रमा को पूरा देखता है तो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। बाबा कहते सज्जन सकृत सिंधु सम को, ये सिंधु सम ये सज्जन को ऐसा होगा, भाग छोट अविलास उगड़, करम एक विश्वास, पई है सुख सुन सुजन सब, खल करी है उपहास। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं भाग्य मेरा बहुत छोटा है, और सचमुच में तुलसीदास जी महाराज यदि अपने भाग्य को देखने लगे तो संसार में ऐसा छोटा भाग्य वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। माँ का दूध पीने को भी नहीं मिला, माँ की गोद भी नहीं मिली, पिता का प्यार भी नहीं मिला, समाज में भी महाराज कोई कहीं अनुकूलता नहीं पड़ी। आपको क्या कहें, संसार का सबसे फेल व्यक्ति यदि माना जाए तो तुलसीदास, पत्नी ने भी घर खाली करा लिया। अब जरा विचार करो, माँ बाप का प्रेम मिला नहीं, भाई कोई परिवार वाला है नहीं, ब्याह हुआ ऐसी घरवाली से, हम तो कई बार कहते हैं उसे तो मैं घरवाली को उनके बंधन करता हूँ, आज उनकी कृपा से हमको तुलसीदास जी मिले, उनकी कृपा से हमको ये ग्रंथ मिले। तो वैसे तो कई आचार्यों ने रत्नावली का चरित्र बहुत दिव्य लिखा है, कई आचार्य लोग रत्नावली को परम सती मानते हैं, और ऐसी स्त्री दुनिया में दुर्लभ है। क्यों परम सती मानते हैं? रत्नावली ने देखा कि हमारे पति का अनुराग राम जी से था, और पूरे जीवन के बारे में जानती थी, और एक अच्छे विद्वान की बेटी थी। स्वयं रत्नावली के पिताजी भागवत की कथा कहते थे, रामायण की कथा कहते थे, विद्वान थे, और तुलसीदास जी महाराज के प्रवचन को सुनकर के ही बेटी दी थी। तुलसीदास जी के पास तो घर भी नहीं था, न घर न द्वार न परिवार, ऐसे अनाथ बालक को कौन अपनी बेटी दे दे, न घर न द्वार न खेती न महाराज कोई पता कहाँ, ऐसे को बेटी दे दी थी। तो परम विद्वान की वो बेटी थी रत्नावली। रत्नावली ने विचार किया कि अगर इनको हमसे राग हो जाएगा, हो ही गया है, तो मरने के बाद फिर इनका पतन होगा, और जिस जीवन जिस व्यक्ति ने इतना जीवन में दुख सहा हो, अब उसका पतन नहीं होना चाहिए, उसका उत्थान। नहीं तो नारायण कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने से प्रेम करने वाले को दूर भगाए। परम अनुरागी थे वो, परम अनुचर थे उनके, किंतु अपना हित ध्यान नहीं दिया, अपने पति का हित ध्यान दिया। और जब उनको कहा कि हड्डी मांस के शरीर से तुम्हारा इतना प्रेम, इतना प्रेम रघुनाथ से हो जाए तो काम बन जाए, हमने तुम्हारे पढ़ा है कि तुलसीदास जी महाराज घर से निकलकर इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए, और उसके पहले रत्नावली का शरीर पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया उसने। क्योंकि कहीं भी किसी भी लेखक ने बाद में रत्नावली की कोई चर्चा नहीं की कि रत्नावली आई कहीं मिलने के लिए, क्या उनके पास पहुंची, अपने शरीर को ही छोड़ दिया, क्योंकि अपने प्रीतम का वियोग सह नहीं पाई।
तो परम सती नारी। किंतु संसार की दृष्टि से यदि देखा जाए, संसार वाले भाग्यशाली किसको मानते हैं? जिसके पास पैसा हो, जिसके पास सम्मान हो, जिसके पास सुविधाएं हो, जिसके पास प्रशंसक हो, और जिसके पास ये सब चीजें न हो, कहेंगे इसका भाग्य बहुत खराब है, ये भाग्यहीन व्यक्ति है, इसके पास कुछ है ही नहीं। नहीं तो लोग कहते हैं कि महाराज इतना भाग्यहीन व्यक्ति की माँ को खा गया, बाप को खा गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाग छोट, मैं जानता हूं कि हमारा भाग्य बहुत छोटा है, किंतु अभिलाषा हमारी बहुत बड़ी है। भाग्य छोटा है, अभिलाषा बहुत बड़ी है, किंतु एक हमको विश्वास है। क्या विश्वास है? कहिए सुख सुन सुजन सब। ये जो रचना हमारे द्वारा होगी, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसको पढ़ करके लोग सुख पाएंगे, भले ये खल लोग हमारी उपहास करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि तो खल परिहास होए हित मोरा, खलों के परिहास से हमारा हित होगा। और सच कुछ में होता भी, अगर दुष्ट लोग हंसी उड़ाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, दुष्ट लोग यदि निंदा करें तो दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें अपना हित ही है। अपने अमंगल नष्ट हो रहे हैं, अपने पाप नष्ट हो रहे हैं, जो अपने अमंगल नष्ट करे या हमारा पाप नष्ट करे उसको तो बंधन करने लायक है। बोले काट कहीं कल कंठ कठोरा, अगर कौआ कहने लगे कि कोयल का स्वर ठीक नहीं है, इसको गाना आता ही नहीं, इसने कभी किसी से गाना सीखा है क्या? कंसुरा गाता है, अब कोयल कंसुरा गाएगी? किंतु कौए यदि प्रमाण पत्र देने लगे, कौओं से कहा जाए कि कोयल को प्रमाण पत्र दो, तो कहेंगे दुनिया में कंसुरा यदि कोई गाने वाला है, ये काक ये कोयल है। बुरे से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे हमारे श्री संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने कुछ अपनी चर्चा की, अपने दोस्तों को निहारा है, और बाद में इन्होंने बड़े उदारता के साथ, और होना भी यही चाहिए, कहते हैं यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहं रघुपति कथा सुहाई। किस प्रकार से? बोले अति अपार जे सरित वर, जो नप सेत कराए, चढ़ पील कहीं परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये निश्चित रूप से नदी का प्रवाह बहुत तेज हो, अपार हो, तो यदि कोई चींटी तैर कर पार करना चाहे तो संभव नहीं है, मर जाएगी, बह जाएगी। किंतु किसी राजा ने, किसी सज्जन ने यदि सेतु बना दिया हो, यदि पुल बना हो, तो चढ़ी पिपील कहीं, जो चींटी है उसको पुल में चढ़कर निकलने में कोई तकलीफ होगी? भले सरिता का प्रवाह बहुत तेज है, सरिता बहुत गहरी है, किंतु यदि उसमें पुल बना हुआ हो तो निश्चित रूप से तैर पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र तो अपार है, किंतु बड़े बड़े महापुरुषों ने इसको गा दिया है, पुल बना दिया है। इसलिए हम ये विचार करके ही प्रकार बल मन ही दिखाई, अपने मन को ये दिखाता हूँ कि तुमको कोई डर नहीं है। जैसे चींटी को क्या डरने की जरूरत है यदि पुल बना गया है? अरे बड़े बड़े महापुरुष कौन कौन? व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, इन महापुरुषों ने जिन सादर हरि सुजस बखाना, इन महापुरुषों ने आदर सहित भगवान के यश का गान किया है। चरण कमल बंधु तिन केरे, हम उनके चरण कमलों को वंदन कर रहे हैं। पूर्व हो सकल मनोरथ मेरे, ये आदि कवि
व्यास आदि वाल्मीकि आदि हमारे ऊपर कृपा करो। कल अच्छा कितनी बढ़िया बात है, इसको सुन करके पढ़ करके मैं भी कुछ दिन तक निर्वाह किया, अभी भी करता हूँ। क्या निर्वाह करता हूँ? मैं कथा प्रारंभ करता हूँ तो मानस में अंतकरण में यह विचार करता हूँ कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से अभी तक जितने कथाकार हुए हैं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और जो अभी भी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और जो बाद में होंगे उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, तीनों को करता हूँ। क्योंकि महाराज ये इन्होंने कलि के कवि न करहु प्रणाम, कलि के भी कवियों को हम प्रणाम करते हैं जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा, और जो प्राकृत कवि हैं, वैसे हम लोग जो इस समय के कवि वो प्राकृत ही है, सूर सूर तुलसी शशि गुणगन के बहुदार। महाराज ये तो पहले की बात थी, आज के तो कवि लोग जितने अधिकतर कविता की जाती है तुकबंदी ही होती है, कई बार देखते हैं न उसमें छंद है न काव्य है न प्रबंध है, किंतु एक बात तो उसमें है, चाहे कुछ भी ना हो भगवान का नाम तो है, भगवान का चरित्र तो है। डाली पढ़ने की अपेक्षा अभी मैं पढ़ रहा था देवी भागवत, देवी भागवत में कहा कि साहित्य तीन प्रकार के हैं, साहित्य तीन प्रकार के हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुण। जो भगवान आदि का चरित्र है ये सतोगुणी साहित्य है, रजोगुणी जो राजा आदि का चरित्र है, आजकल उपन्यास आदि में जो राजाओं की कथा वर्णित है वो रजोगुणी साहित्य वर्णन तो है, और तमोगुणी कौन है? तमोगुणी है जिसमें युद्ध आदि की चर्चा है, वो उसको मार दिया। आज ये जासूसी उपन्यास जितने हैं सब ये तमोगुणी है, रजोगुणी भी नहीं है। ऐसे महाराज साहित्य का भी वर्णन किया गया देवी भागवत में कि जो भगवान का सौंदर्य वर्णन किया जाता है, भगवान के सौंदर्य का कि उनकी नासिका ऐसे, उनका आभूषण ऐसा, उनकी चाल ऐसी, उनकी आंखें ऐसी, ये सतोगुणी श्रृंगार है। ये श्रृंगार हमारे चित्त को विकारवान नहीं करेगा, किंतु और यदि सुकिया के श्रृंगार का वर्णन किया जाए, सुकिया की माने अपनी पत्नी हो उसका श्रृंगार कोई कभी वर्णन करे वो रजोगुणी है, किंतु महाराज जो दूसरों के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है वो तमोगुणी है। अगर वैश्य आदि के श्रृंगार का कोई वर्णन करता है तो तमोगुणी श्रृंगार है। तो तीनों साहित्य भी तीन प्रकार के, सतोगुणी साहित्य, रजोगुणी साहित्य, तमोगुणी साहित्य, ऐसे ही महाराज श्रृंगार भी तीन प्रकार के साहित्य में, सतोगुणी श्रृंगार, रजोगुणी श्रृंगार, तमोगुणी श्रृंगार, ऐसे सत साहित्य में भी तीन प्रकार के हैं। क्योंकि अब जैसे महाभारत यदि आप पढ़ो उसमें जो सज्जन पुरुषों का गुण वर्णन किया गया है विशेषता वो सतोगुणी में भी सतोगुणी, ध्यान रखना सतोगुण भी सतोगुण, सतोगुण रजोगुण, सतोगुण तमोगुण, सतोगुण में भी तीनों गुण आ जाएंगे, सतोगुण में भी तीनों गुण आ जाएंगे। अब उसी में जो राजाओं आदि के युद्ध आदि का वर्णन है, जो युद्ध आदि का वर्णन के है तो है तो सतोगुण, क्योंकि महाभारत में वर्णन है, रामायण में वर्णन है युद्ध का, तो सतोगुण तो है, किंतु सतोगुण में भी वह रजोगुण है। और जहां हमारा श्रृंगार का वर्णन है, कई बार तो ऐसे ऐसे श्रृंगार का पुराणों में वर्णन पढ़ते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, कई कई पेज में श्रृंगार है, फिर हम लोग वो पन्ने के पन्ने पलट देते हैं, कभी ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सतोगुणी तो है क्योंकि उपनिषद अपने पुराणों में है, रामायण में है, सतोगुणी होने के बाद भी सतोगुण में विवाह तमोगुण है। इसलिए साधक को विचार करना चाहिए कि सतोगुण का अध्ययन करें, किंतु सतोगुण में सतोगुण हो तो अति उत्तम, किंतु जो रजोगुणी लोग होते हैं तमोगुणी लोग होते हैं उनको फिर वैसा ही भाता है। तो शास्त्रों में तो सबके लिए कुछ ना कुछ परोसा जाता है, अगर सबके लिए ना परोसा जाए तो सब प्रकार के प्राणी फिर उसको पढ़ेंगे नहीं,
इसलिए अनुशासन यही किया जाता है कि सबको धर्म के वाले लोगों को धर्म मिले, अर्थ वालों को अर्थ मिले, काम वालों को काम मिले, मोक्ष वालों को मोक्ष मिले, वो कोई खाली न जाए। तो नारायण में निवेदन कर रहा था आपसे कि साहित्य भी कई प्रकार का है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं रचना तो करना चाहता हूँ, कलि के कवियों को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि जिन वरने रघुपति गुण रामा जे प्राकृत कवि परम सयाने। ये प्राकृत कवि जो लोक भाषा में बहुत सारे कवि होते हैं, कई महाराज ऐसे ऐसे आस कवि होते हैं कि तुरंत कविता बना दे, तो कहा कि मैं उनको भी वंदन करता हूँ। भाषा जिन हरिचरित बखाने भये जे अहि जे हुई है यहाँ वारे वार संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज आपकी उदारता। प्रणव हूँ सब ही कपट सब त्यागे, सबको वंदन करता हूँ कपट का परित्याग करके। महाराज देवताओं को भी वंदन किया है और गुरु भी तुमात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी, माता पिता के समान भगवान शंकर महेश को भगवान भवानी को वंदन किया है। सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के हित निरुपद सब विद तुलसी के, इन सब का वंदन करने के बाद हमारे संत प्रबल तुलसीदास जी महाराज धीरे धीरे अपने चित्त को करे से मैंने कहा था कि निशाना लगाना भले पक्षी में है किंतु भूमिका बनाते समय वृक्ष का भी दर्शन कराया जाएगा, दादी का दर्शन भी कराया जाएगा, बाद में पक्षी का दर्शन कराया जाएगा। अब से धीरे धीरे तुलसीदास जी महाराज अवध पहुँच गए। बंद हूँ अवध पुरी अति पावनी सरजू सरी कल कलुषन सावनी। अवधपुरी को मैं बंधन करता हूँ, ये पावनी नहीं है अति पावन। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज की विलक्षणता है, जहां जहां तुलसीदास जी महाराज अति शब्द का प्रयोग करें आप लोग इसको जरूर ध्यान देना, जहां जहां अति शब्द का प्रयोग करें, ये बहुतायत अर्थ में नहीं है कि अति माने बहुतायत अर्थ हो जाए। अब जैसे प्रताप भानु के चरित्र में अति अकेले नृप जान, ये अति अकेले नृप जानी का अभिप्राय क्या है। ऐसे जहां जहां अति शब्द का प्रयोग है, अधिकतर क्या होता है कि कोई चाहे कितना अकेला हो किंतु उसके साथ भगवान जरूर रहते हैं। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, हो सकता है आप अपने माता पिता के अनुकूल आचरण न करो तो माता पिता त्याग दे, हो सकता है आप माता पिता के अनुकूल आचरण, मित्र के अनुकूल आचरण न करो तो मित्र त्याग दे, बंधु त्याग दे, सखा त्याग दे, सेवक त्याग दे, किंतु ये कभी नहीं हो सकता है कि आपको भगवान त्याग दे। आप चाहे कितने पतित हो जाओ किंतु परमात्मा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु राम सुरदास जी महाराज स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। न भूलने का अभिप्राय यह है कि आप हमारे साथ हो, आप हमारा कभी त्याग कर नहीं सकते हो। वहां आती नकेल उनका अभिप्राय उसको लगा कि हमारे साथ ईश्वरी नहीं है। इतने बड़े यज्ञ करने वाला व्यक्ति, कल चरित्र सुनाएंगे हम, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, कल या परसों हमको राम जन्म करना है और 13 तारीख को ब्याह भी कर देना है, क्योंकि ब्याह करके जाएंगे तो ठीक रहेगा, राम जी का बिना ब्याह छोड़ना नहीं है, इसलिए हमको पहुँचना है। चिंता मत करना, हम तो हनुमान जी महाराज के आराधक हैं और हमारे हनुमान जी महाराज उछल कूद करते रहते, कभी इधर से यहाँ कभी वहाँ, उनको वो हनुमत पद्धति ही है, उसका नाम है जो छलांग मार कर निकल जाए उसका नाम हनुमत पद्धति है। हमारा मन तो यही था कि यहाँ नाम महिमा तक चले, किंतु प्रेमियों का भी ध्यान रखना है। अपने मन का उसी दिन मरघट में दफना दिया था जिस दिन संन्यास लिया था, जिस दिन संन्यास लिया था उस दिन अपने मन को कह दिया था कि अब तू अपनी बात करने की कहीं मत सोचना,
संन्यास का नाम ही है कि मन को दफनाना है, इसलिए हम अपने मन से जीते ही नहीं है। हमको जो जैसे अपना मन कहीं नहीं चलाते, सामने वाला कहता अपनी बात तो रखते हैं, उसके बाद कहते तुम्हारी मौज है, उसमें इतना आनंद है आपको क्या कहें। हर रोज दिवाली है, नहीं तो ये आग्रह दुराग्रह पकड़ के बैठ जाओ ना, तुम्हारा दुख ही दुख है। आग्रह कहीं भी रखोगे तो ग्रह ग्रह ही है, चाहे सतोगुणी आग्रह हो, चाहे रजोगुणी आग्रह हो, चाहे तमोगुणी आग्रह हो, तो अपना तो हमारा सबके सुख में सुख है। अपने तो यहाँ आनंद लेना है, जीवन भर तो कहीं काम यही करना है, कहीं यहाँ नहीं तो वहां से ही, वहां नहीं तो यहाँ से ही। और तो कुछ ले राम ब्याह तक राम जी का ब्याह करके ही छोड़े, उनको अवध में नहीं लाएंगे, खतरा है। और देखिए जनकपुर में कुछ ब्याह के बाद कुछ जनकपुर में रहें, कम से कम एक साल तो कम से कम जनकपुर में रहें, तो ब्याह करा करके वहीं छोड़ देंगे कि ससुराल का आनंद लेते रहो, खूब वहाँ के चूड़ा को खाते रहो। इसलिए राम जन्म के हेतु अनेका में कहने में कलम इस चरित्र को ले गए कि प्रताप भानु की क्या विलक्षणता है, प्रताप भानु कैसे पतित हुआ, क्या कारण उसमें हुआ। तो हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज बंधु अवध पुरी अति पावनी, ये अति पावनी है। अति पावन का अभिप्राय क्या है, जो अपावन को पावन बना दे वो पावन है, जो अपावन को पावनी बना दे वो पावन है, और जो पावन को भी पावन बना दे वो अति पावन है। जो महाराज पावन को भी अति पावन बना दे, वहां सरजू सरी कर कलुष न सावनी, सरजू माँ का तट है, कल के दोषों को नष्ट करने वाले। और कहा कि मैं उस नगर के नर नारी सबको प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करते हो सबको, बोले बात ये है कि हमारे प्रभु सबसे ममता रखते हैं, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। एक बात भाई, अगर हम ईमानदार के प्रेमी हैं तो अपने प्रेमी से हमारा प्यार हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जो प्रेमास्पद है उनसे भी हमारा प्यार हो, वो चाहे जैसा क्यों ना हो, यदि हमारा इष्ट पतित से पतित व्यक्ति को भी प्रेम कर सकता है तो हमको घृणा करने का अधिकार नहीं है। मैंने घटना अपने आनंद वृंदावन में देखी, उस दिन बड़ी शिक्षा ली हमने कि सचमुच में प्रेम का स्वरूप क्या है। हमारे आश्रम में हमारे महाराज जी के रसोई आते स्वामी खंडानंद महाराज, कई वर्ष तक उन्होंने वो उनको भोजन बना के खिलाया, किंतु बाद में संग दोष हो गया जो भी रहा, तो वहां से रसोई घर से मक्खन ले आते थे और मक्खन लाकर अपने कमरे में घी तैयार करके लोगों को बेच देते थे चुपके से, लोग घी खरीदते थे, जिसने खरीदा वही हमारे भान जी को बता दिया कि आपके आश्रम से हम गाय का घी खरीद के ले जाते हैं। उनको पता चला दोपहर में गर्मी का समय था, मई जून का महीना, और मैं पैर दबा रहा था, तो मेरे से बोले सुमन, उन्होंने कहा महंगी, बोले चलो चलते हमको सुगंध आ रही है। और वो लेकर के गए उस रसोई आके कमरे में और उनसे कहा खटखटाओ, बड़ी उम्र के थे वो, खटखटाया हमने और खटखटा करके उन्होंने देर लगाई खोलने में, क्योंकि वो घी उतार रहे थे, जब तक उसको तखत के नीचे छुपाया नहीं तब तक खोला नहीं। तो महाराज जी ने हमको कहा कि तुम देखो तखत के नीचे क्या है, देखा कि घी था, उन्हें बाहर निकाला, गर्म बहुत था, चूल्हे पर चढ़ा था। महाराज जी खड़े होकर के एक बात बोले, बोले तुमने हमारे आराध्य को भोजन बना के खिलाया है, इसके तुमको मैं आश्रम से निकालूंगा तो नहीं।
और तुम्हारी किसी से बात भी नहीं कहूंगा, किंतु आज तो हमारे आंखों से करीब उतर गए और मेरे से कहा कि तुम ये बात आश्रम में किसी को बताना, वो तो अभी इसलिए बता रहा हूं कि उनका शरीर पूरा हो चुका कई वर्ष पहले, ये मैंने कभी नहीं बताया। और महाराज जी ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे पहले थे वैसे अभी। मैंने एक दिन पूछा था तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो हमारे महाराज जी को भोजन तो कराया है, हमको लगा कि ये है प्रेम का स्वभाव, ये प्रेम का स्वभाव नहीं है कि वो सदगुण है इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज अवध के नर नारियों को इसलिए प्रणाम करते हैं कि ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता का अभिप्राय था ये मेरे हैं। क्यों, कैसी ममता है, सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। आप लोग कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़िएगा, स्पष्टम स्पष्टम है, स्पष्टम स्पष्टम। राम जी ने जब रात्रि में धोबी के वाक्य सुने हैं तो सभा बुलाई, और सभा बुला करके राम जी ने कहा कि अवध के एक व्यक्ति का ऐसा मानना भी है, आप लोग क्या मानते हो इस विषय में, आपके क्या विचार हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा एक व्यक्ति ने भी धोबी का विरोध नहीं किया, एक व्यक्ति ने भी धोबी का विरोध नहीं किया, धोबी गलत कह रहा है। राम जी का निर्णय कोई ऐसे निर्णय नहीं था, एक व्यक्ति ने भी, परवारे बाप हमारे श्री राघव राम कथा कहने के क्रम में मुझे करीब 30 प्रकार की रामायण अध्ययन करने का अवसर मिला, अलग अलग ढंग से जो हमारे पुस्तकालय में मिली, हमने सबका अवलोकन किया। मुझे लगता था कि अपने रस के लिए हम पढ़ें तो उसका स्वाध्याय किया, ऐसी ऐसी रामायणों की कथाएं हैं मैं आपको क्या कहूँ, सुनाने लगूँ तो आप फपक फपक कर रो पड़ेंगे। राम जी ने जानकी को परित्याग करके जो जीवन व्यतीत किया है, कभी बिस्तर में नहीं सोए, हजारों वर्ष रहे कभी बिस्तर में नहीं सोए, और केवल इसलिए वो राजा है और प्रजा उनकी इष्ट थी। ऐसा नहीं कि जानकी को दोषी मानते थे, जानकी को दोषी वो मान ही नहीं सकते थे क्योंकि स्वयं अग्नि परीक्षा की थी। अभी एक लेखक का मैं लेख पढ़ रहा था, बोलो तो भारत की नारी थी कि राम जी ने कहा कि अग्नि परीक्षा तो कह सकती थी, अग्नि परीक्षा मैं भी दूंगी तो अग्नि परीक्षा आप भी दो, यदि मैं अलग रही आपसे तो आप भी तो हमसे अलग रहे, यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं तो हमको भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, नहीं तो भारत की नारी है। एक बार भी नहीं कहा, और यहां भी एक बार भी नहीं कहा कि जब अग्नि परीक्षा आपने दे ली थी तो हमारा परित्याग क्यों किया, एक बार भी नहीं। कारण यही है कि प्रजा उनकी इष्ट है। तुलसीदास जी महाराज इसी भाव से, कोई अवध के प्रेमी बैठे हो तो नाराज मत हो जाना, मुझे तो अवध भाता ही नहीं है। आप कभी हमारे श्री राम वृंदावन में, आप दोपहर में 12 बजे 1 बजे रात्रि में निकल पड़ो, आपको ब्रज आज भी भरा भरा दिखेगा, कहीं सुना नहीं दिखता है ब्रज। हम तो पढ़ते थे तभी अपने आश्रम से, अंग्रेज मंदिर के पीछे चंडी आश्रम था,
उस समय रास्ते में कुछ नहीं था, अंग्रेज मंदिर बन रहा था, तब भी जाते थे दोपहर में तो ऐसा लगता है कि हरा भरा है, खाली नहीं लगता घर। और अवध में आप किसी भी समय निकल पड़ो, अवध आज भी श्री विहीन लगता है, लगता है यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं रामायण पढ़ने के लिए मेरे मन में आया कि रामायण गुरुमुख करूं, मैं गया वहां रह नहीं पाया। जहाँ से श्री चली जाएगी वहाँ कैसे रौनक रहेगी? नहीं, श्री चली गई अयोध्या की, अयोध्या की श्री तो सीता जी थी। बिल्कुल बिल्कुल, सीता जी जब वहाँ चली गई तो बचा अयोध्या। राम जी महाराज की विशेषता ऐसी है कि महाराज श्री निंदक अग ओग नसाए, ये श्री निंदक थे लोग, केवल एक धोबी नहीं था। इसलिए आप लोकुश कांड में पढ़ोगे तो लोकुश ने जब रामायण गा गा के सुनाया है तो सारे के सारे अवध के लोग पछताए हैं, अपनी गलती का एहसास हुआ उनको। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई, महाराज सबको विशोक बनाकर शोक रहित बनाकर अपने आप को निवास दिया। बाद में कहते हैं मां कौशल्या को वंदन करता हूँ, कौशल्या भैया प्राची दिशा के समान, जैसे प्राची दिशा से सूर्योदय होता है ऐसे हमारे शिलाघों का प्राकट्य हुआ है। प्रगटे जहां रघुपति सचिज, यहाँ चंद सूर्यवंश में कहा है तो सूर्यवंश में, किंतु सूर्य उपमा नहीं दिया। शशि चारु, शशि चारु, हमारे एक संत कहते थे कि भक्तों को चार इसलिए प्यारा है जो राम ने भी अपने पीछे चंद्र लगाया और कृष्ण ने भी अपने पीछे चंद्र लगाया है। जिसको राम जी ने स्वीकारा हो वो स्वाभाविक है, प्यारा है। तो ये वर्णन करते हैं तुलसीदास जी महाराज, प्रगटे हो जहां रघुपति सस्य चारु, ये दिव्य चांद जहां प्रकट हुआ है, कौशल्या को वंदन है। विश्व सुखद खल कमल तुषारो, कैसी बढ़िया उपमा दिया है, ये विचारणी है, अब हम इधर जाएंगे नहीं। खल को कमल की उपमा दी, खल कमल, खल ये कमल कब से बन गए जी? खल तो कठोर होता है किंतु तो कहते हैं ये खल कमल के लिए तुषार के समान जो है, ऐसे चर्चा करेंगे, ऋषि की बात है ये। बाद में श्री दशरथ जी महाराज को वंदन किया, दशरथ राव सहित सब रानी, कौशल्या को अलग और सब रानियों को, वैसे सब रानी कह करके हमने तो कई जगह पढ़ा है कि तीन ही रानी नहीं थी दशरथ की, बहुत सारी थी, संख्या बताएंगे नहीं, इतनी रानियों की चर्चा है कुछ पूछो नहीं। और उस समय राजा लोग रानियां अधिक रखते भी थे, उसमें कोई बात नहीं है। तो अन्य सब रानियों को एक साथ दशरथ के साथ ले दिया, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, अपना सुत समझ कर सेवक दान कर कृपा कीजिए। इस प्रकार से जिन्हें बिरंच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता, बंधु अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहर्यो। और बाद में अवध भुवाल के वंदन करने के बाद जनक जी महाराज को भी वंदन करते हैं, जिन्होंने योग भोग मह राख्यो कोई, योग और भोग में दोनों में, क्योंकि राजा राज्य कर रहे थे और जनक जी महाराज परम योगी हैं, ऐसा रखा संभाल करके कि तो राम विलोकत प्रगटे उस सोई, राम को विलोक करके जिन्होंने प्रगट कर दिया। बाद में भरत जी महाराज को प्रथम भरत के चरणा, प्रथम भरत जी महाराज को वंदन करते हैं, क्यों भाई इनको वंदन क्यों कर रहे हो? बोले जिनका नेम व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कई लोगों ने इस पर बड़ी लेखनी उठाई है हिंदी साहित्य में भी, अगर राम और भरत के तप का तुलनात्मक चिंतन किया जाए
तो राम जी से श्रेष्ठ तप है सिंहराज जी का, श्रेष्ठ तप है। आप कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा महाराज गायों को ये नेम जो इनका नियम है, नहीं मारा नियम है, गायों को जौ खिलाया जाता था और जौ खिलाने के बाद जब गाय गोबर करती थी उसमें बरतने के बाद जो जौ निकलता था उसको बिन करके साफ करके वो खाते थे। ऐसा तब किया है भरत जी महाराज ने। हमने कभी भरत चरित्र सुना था, काशीवासी थे हमारे श्रीनाथ रामायण जी, अद्भुत कई वर्षों तक उसे लखन चरित्र सुना, शत्रुघ्न चरित्र सुना, जब वो सुनाते थे अद्भुत अद्भुत। कभी यहाँ किसी ने रस लिया होगा और आपने चौधरी ने लिया है, भरत ऐसे पंथी मार कर नहीं बैठते थे, हनुमान जी के आसन वज्रासन पर बैठ करके हाथ ऊपर करके ऐसे प्रवाह में, मैंने 80-85 साल की उम्र में कथा सुना, राम कथा वर्णन करने का ढंग उनका बड़ा अद्भुत था। तो भरत चरित्र जब उनके मुख से सुना, हमारे यहाँ ये परंपरा थी, हमारे महाराज जी सबसे सुनते थे, महाराज जी तो सबसे सुनते थे बैठ कर। उस समय महापुरुष थे जो अभी बड़े प्रसिद्ध हैं, संयोग से मोहम्मद थे, और जब महाराज जी कहा, जब महाराज जी उनसे कथा सुनने के लिए कहे कि हम कथा सुनेंगे कल से तुमसे, तो हमारे आश्रम में ही विरोध कर दिया और नहीं सुनने दिया। फिर महाराज जी बगीचे में बैठ कर उनसे कथा सुनते, अब इस बात को याद करते व्यासपीठ पर तो नहीं बैठा रहा, फिर महाराज जी ने जरूर टिप्पणी की। उस समय महाराज जी ने कहा कि हमारे गरुड़ जी महाराज काग गोसुंद जी से कथा सुन सकते हैं, कि दोबारे वह दुर्भाग्य कि हम एक मनुष्य से कथा नहीं सुन सकते। ये समाज का महाराज ऐसा ऐसा खेद है, कई तो उनके शिष्य ही कहा कि अगर महाराज जी आपने उनसे कथा सुना तो आत्मदाह कर दो, आपके सामने शरीर जला दो। फिर महाराज जी को निर्णय वापस भेजा, तो कथा के बड़े प्रेमी थे, तो वहाँ सब विद्वानों की कथा होती रहती थी, और हमारे यहाँ का तो बड़ा बढ़िया नियम है, अच्छा अभी भी वही है, वक्ता बोल करके समाज में सबके साथ बैठना है, उसके बाद दूसरा बैठेगा, ये नहीं कि वक्ता बैठ करके फिर उसको कोई आसन देना है, बड़ा आसन देना है, अपनी बात रख करके नीचे बैठो। महाराज जी भी नीचे बैठ के सुनते थे, और सचमुच में सुनने का सम्मुख आनंद भी अलग है, वक्ता के अगल बगल बैठो तो जब तक चेहरा न दिखे तब तक आनंद ही नहीं आता है। तो हमने सब कई विद्वानों की कथा सुनी, तो भरत चरित्र जब मैं सुन रहा था केवल उनके नेम व्रत पर उन्होंने हमारा 7 दिन तक बोला था, भरत जी का नेम व्रत जो है, क्या क्या उनके नियम थे और नियम में समझौता महाराज ऐसा उनका था कि राम जी के कहने के बाद भी नहीं दिया, नेम पर निष्ठा थी उनकी। उन्होंने एक बार कह दिया कि अब मां नहीं कहेंगे, तो मां ने कहा, नियम ले लिया कि मां नहीं कहेंगे। तो भरत जी महाराज का जो व्रत और नियम है उसके विषय में क्या कहा जाए, राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधुप इव तजै न पाशु। श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कैसे हैं बोले कमल है, और भरत जी महाराज कैसे हैं बोले मधुप है। जैसे मधुप कमल का परित्याग नहीं करता है, बार बार मंडराता रहता है, ऐसे हमारे श्री भरत जी महाराज का मन वही मंडराता रहता है, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग